1, 2, 3, 4 40 में से 40 नहीं 60 में से 4 अच्छा परसेंटेज है। आशा है पास होने वालों का ये परसेंटेज नहीं होगा। अच्छा तो इसको हम लोग थोड़े समय बाद चर्चा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है कि हमारा क्या होता है, तो फिर चर्चा कैसे करें। वैसे होना चाहिए था, आप लोगों को लिखना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग बहुत व्यस्त रहते हो, घर में जाने के बाद तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है, और इसीलिए पढ़ना तो यहाँ पढ़ लेते बहुत है, तो कोई बात नहीं, हम समझते हैं, और ये हम मजाक में नहीं कह रहे, सही में समझते हैं। तो जो हमारा कोटा है, बिफोर हम दूसरे पे जाएं, हमारा क्या कोटा भगवान ने दिया, क्या नियत किया है हमारे लिए? हमारे लिए भगवान ने वो नियत किया है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। हमारे लिए उतना ही कोटा है, भगवान ने वही नियत किया है, हम केवल उसको ज़्यादा करते रहते। अर्थात हमारे शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना भोजन, हमारे परिवार को चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता है उतना धन हमारा कोटा है। अफकोर्स हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती वो अलग बात है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि हमें खाने में इतनी सारी चीज़ें चाहिए, तो कोटा बढ़ जाता है हमारा, हम अपने आप बढ़ा लेते हैं। भक्ति जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, आप सबने ये शब्द सुना है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, आपको बार बार बताया जाता है। अगर आप इंद्रिय तृप्ति नहीं करोगे तो मर जाओगे, इसलिए इंद्रिय तृप्ति करना अनिवार्य है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति उतनी होनी चाहिए जितनी हमें आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, तो वो इंद्रिय तृप्ति को बुरा नहीं माना गया है शास्त्र। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या है? आप कुछ भोजन खा रहे हैं, इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो वो तो आवश्यक इंद्रिय तृप्ति है ना। अब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम खाना बंद कर देंगे, हम पीना बंद कर देंगे, तो आप भक्ति कहाँ से करोगे, मर जाओगे। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में नियमित जीवन को प्रमोट किया है। नियमित जीवन मतलब कौन से श्लोक है? युक्त आहार विहार से, तो सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए, तब हम लोग जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल बंद भगवान भगवत गीता नहीं कहते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल नहीं सोना, बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं पीना, ऐसा नहीं, या बहुत ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा सोना, ये भी नियमित होना चाहिए। तो इसीलिए नियमित इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए हमारा कोटा है, उसको हमें करना चाहिए। लेकिन किस लिए उद्देश्य के लिए? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। ये हमारे जीवन का कोटा ही सिद्धांत है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें आ जाएगी, खाने में हमारा क्या कोटा है, धन में क्या कोटा है, समाज में क्या कोटा है। तो हमारा कोटा ये हमें जानना चाहिए, हमारा जो भाग है, कि पहले कि महाप्रभु के जो श्लोक महाप्रभु ने कहा, जैसे चैतन्य चरित में कहा जाता है कि जन्म सार्थ करी कर पर उपकार, ये हमारा कोटा, इसको जान लीजिए। तो हमारा कोटा भगवान ने स्वयं दे दिया, भारत भूमि पे जन्म हरिल हजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, ये हमारा कोटा। कैसे ये हमारा कोटा है? जन्म सार्थक करी, उसके लिए जो चाहिए उसको लीजिए, और फिर कर पर उपकार, फिर जितना हमारे पास है उससे प्रचार कीजिए। परोपकार, सच्चा परोपकार क्या है? प्रचार। तो इस पर प्रचार, इसको करुणा का मूर्तिमान स्वरूप माना जाता है, कंपैशन पर्सोनिफाइड। जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा नहीं है वो प्रचार नहीं कर सकता, बहुत सरल है। श्रील प्रभुपाद ने दुनिया में प्रचार किया, क्यों किया? हृदय में करुणा थी। जब अमेरिका गए तो देखा ऐसे लोगों को, तो करुणा आई। तो इसीलिए ये हमारा कोटा है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ठीक है। ये दो काम हमें जीवन में करने हैं, बस उसके लिए जो भी चाहिए वो हमें व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा मंत्र शुरू करेंगे। हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमें गियर चेंज करना पड़ेगा, कि नहीं तो ऐसा होगा कि पूरा महीना केवल 3-4 मंत्र हो जाएंगे,
आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, लेकिन कोटा पूरा नहीं होगा। कोटा पूरा करना ठीक है। तो दूसरा श्लोक और आए, कुर्वन्ति देह कर्माणि, कुर्वन्ति देह कर्माणि, जिजीविचेच्छतं समाः, जिजीविचेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, इस प्रकार मतलब पहले मंत्र में जो कहा गया है, पहले मंत्र के बाद ही दूसरा आ रहा है ना, तो इसका हमने क्या बताया था, क्या पहला मंत्र और दूसरे मंत्र में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, जो ईशावासी सिद्धांत दिया गया है उसको जो पालन करते हैं उनका वर्णन है। तो इसलिए क्या कहा कि यदि मनुष्य इस प्रकार, तो इस प्रकार मतलब पहले मंत्र में जो कहा गया ईशावासी सिद्धांत के अनुसार, तो यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यहाँ इस श्लोक में जैसे बता रहे हैं, जो देखा कि पहला मंत्र आया, तो पहले मंत्र को जो पालन करते हैं, जो ईशावास्य सिद्धांत को, उनकी क्या गति होती है। तो आप ये पूरे ईशोपनिषद में ये देखेंगे कि पूरा जुड़ा हुआ एक के बाद एक। तो अभी शुरुआत हुई, भगवान का वर्णन हुआ, कैसे भगवान है वो, पूर्णमिदं पूर्णमिदं। फिर उन भगवान की प्राप्ति के लिए नियम क्या है, जीव की, पहला श्लोक पहला मंत्र क्या है, प्रभुपाद ने समझाया कि जीव पूर्ण है और जीव को पूर्णता के लिए क्या दिया गया है, क्या सुविधाएं हैं, गुरु साधु शास्त्र भक्ति। तो अब उसको कैसे पूर्णता को प्राप्त करना है वो पहले मंत्र में आ गया, ठीक है। तो पहले बताया गया पूर्ण है जीव, जीव पूर्णता को कैसे प्राप्त करता है पहले में आ गया, उसका जो नियम दिया गया। अब दूसरे मंत्र में जो इस नियम का पालन करते हैं उनके साथ वो कैसे रहते हैं, तो यहाँ बताया दो चीजें इस अनुवाद में बताई जा रही हैं। अगर आप ध्यान से अनुवाद पढ़ें कि जो लोग ईशावास्य सिद्धांत यानी जैसे कहा गया कि वो लोग जो इस नियम का पालन करते हैं, तो दो चीजें कही गई हैं। वे जितने भी उनके रिएक्शंस हैं, कर्म की फल हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कही गई है कि मुक्ति के लिए केवल यही एक मार्ग है, बस। ये दो प्रमुख चीजें हम इस मंत्र में देखते हैं। पहला कि जो इसका पालन करते हैं वे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं सभी प्रकार के कर्म फलों से, और दूसरा ये ही एक ही मार्ग है भगवान की प्राप्ति या मुक्ति का, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि कोई और मार्ग नहीं है मनुष्य के लिए, एक ही मार्ग है। जैसे हमने आपको कहा था, अगर आपको ध्यान हो, कृष्ण धारणामृत क्या है हमारे लिए, कंपल्शन। बहुत अच्छा, इट्स नॉट एन ऑप्शन। चुनाव की बात नहीं है कि हम कृष्ण धारणामृत का पालन करें या ना करें, इससे इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट इज कंपल्शन। तो वो यहाँ पर कहा गया है, क्या है, कोई और मार्ग नहीं है। जब कोई और मार्ग नहीं रहा तो क्या रहा, केवल कृष्ण भावना, ठीक है। तात्पर्य को पढ़िए, कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों के विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अच्छा, जीवन संघर्ष स्वाभाविक क्यों है, कोई मरना नहीं चाहता, प्रभुपाद लिख रहे हैं। और केवल अकेले ही नहीं, ऐसे राष्ट्र वो बने रहना चाहते हैं, समाज बने रहना चाहते हैं। तो देखते हैं ना,
कि कोई समाज समाप्त नहीं होना चाहता, कोई राष्ट्र समाप्त नहीं होना चाहता, तो कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन ये जो जीवन का संघर्ष है वो वेदों में कहा गया है कि ये स्वाभाविक है। तो क्यों स्वाभाविक है? कुछ भी शाश्वत नहीं है। बहुत अच्छा। यस, जो आत्मा है, जीव का स्वभाव है कि वो इटर्नल है, तो जब उसे इस भौतिक जगत में भेजा जाता है तो उसे मरना पड़ता है, मतलब शरीर छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए ये संघर्षपूर्ण स्थिति हो जाती है उसके लिए। ओके, आत्मा शाश्वत है इसीलिए संघर्ष है, लेकिन यहाँ अगर आप पढ़ें तो क्या कहें, जीवन संघर्ष है ना, क्या लिखा है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थैंक यू। बने रहने के लिए संघर्ष। तो क्यों, और वेदों में कहा गया है कि ये स्वाभाविक है तो होना है, ऐसा क्यों कहा गया? और कहाँ कहा गया वेदों में, या भगवद गीता में कहीं कहा गया? दुखालय में शाश्वत, लेकिन जीव संघर्ष कर रहा है ये कहाँ कहा गया? भगवद गीता में कहीं पर हमें वांछु जीवलोके जीवभूत सनातन मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। संघर्ष क्या है जीव के लिए? जय, जीव के लिए संघर्ष है मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कौन सा संघर्ष कर रहे हैं? मन और इंद्रियों के साथ, और अगर उन पर विजय पा ले हैं तो कृष्ण को पाना बड़ा सरल है। ये भगवद्गीता में भी कहा गया है ना, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने मन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए हमारा संघर्ष क्या है? मन और इंद्रियों से, और मन और इंद्रियों को शक्ति देने का मार्ग है भक्ति, भगवान की भक्ति। इसीलिए देखिए ईश्वर मिशन प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्ति को प्रमोट करती, भक्ति का वर्णन करती। तो ये हमें सोच समझना चाहिए। संघर्ष शास्त्र में कहा गया स्वाभाविक है, क्यों है? इंद्रियां हैं, मन है, संघर्ष चलता रहेगा जब तक हम उन पर विजय नहीं पाएंगे। विजय पाएंगे परमात्मा समाहित, और विजय पाने का मार्ग है भक्ति। इंद्रियों पर विजय किसी और मार्ग से पाना संभव नहीं है। विश्वामित्र जी ने इंद्रियों पर विजय पाई थी, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की, भक्ति नहीं की, तपस्या की, और क्या हुआ? मेनका के घुंघरू की आवाज, छन छन छन, हरि बोल, सारी तपस्या समाप्त। सौभरी मुनि ने पानी के अंदर जाकर तपस्या की, मुझे कुछ नहीं देखना है, माया में नहीं पड़ूंगा, पानी के अंदर जाकर तपस्या की। दो मछलियों को आदान प्रदान प्रेम का करते देख लिया, हरि बोल, आकर शादी कर ली 50 राजकुमारियों से सीधा, एक दो से नहीं। तो देखिए ये क्या है। और उदाहरण हरिदास ठाकुर, वो भक्ति कर रहे थे, वो कोई तपस्या नहीं कर रहे थे, एक पांव पर खड़े होकर उन्होंने भक्ति की, केवल भगवान के नाम का जप किया। उनके सामने दो बार उनकी परीक्षा हुई, एक तो बार वैश्य आई और भी रात के समय अंधकार में कोई नहीं गांव के बाहर, और उन्होंने कहा कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ना तो विश्वामित्र जी की तरह उनका हुआ, न सौभरी मुनि की तरह। तो क्या किया उन्होंने? बस थोड़ा सर, बस मैं जब पूरा कर लूँ। तो देखिए आपको इसीलिए सतत जप करना चाहिए, जब माया का प्रभाव हो तो आप उसको बोल सकते हैं थोड़ा सा, एक मिनट रुको, जब पूरा नहीं हुआ मेरा, सबसे अच्छी बात है जब कर लो फिर गा लेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने भक्ति के द्वारा उनको परास्त किया। तो इसीलिए भक्ति एक ही मार्ग है इंद्रियों को वश में करने का, मन को जीतने का, और फिर उस संघर्ष को जीत कर भगवान की प्राप्ति करने का। आगे पढ़िए। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना, लोग शरीर बदलते रहते हैं। पिछले जन्म में कौन सा शरीर था? कुत्ते का? कैसे बता कभी कभी लक्षणों से पता चल जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा को, आत्मा का देहांतरण
अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें जीने के लिए काम करना पड़ता है, काम करेंगे कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे बंधन बनेगा। तो बताइए काम करें या ना करें जीविका के लिए। कृष्णा को सेंटर में रख कर आप व्यापार कर रहे हो और आप किसी को धोखा दे रहे हो व्यापार में, कृष्ण को सेंटर में रख कर कैसे कर सकते हैं। अभी हम लाए हैं कुछ चीज 10 रुपए की, हम दूसरे को बोलते हैं आप 100 रुपए में बेच रहे हो, आप बोलते हैं 98 रुपीज में पड़ी है, 2 रुपये कमा रहा हूँ केवल, आप कमा 10 रुपये ला के कर रहे हैं, यही बिजनेस है। क्षमा चाहते हैं, हमें तो यही पता था सब कुछ और भी होता हो, व्यापार यही है ना ज्यादातर, धोखा दिए बिना व्यापार होता है। तो कृष्ण को केंद्र में क्या रखें, बहुत अच्छी बात है, कृष्ण को केंद्र में रखकर करना चाहिए, लेकिन कैसे करें। और उससे क्या हो रहा है, कर्म बन रहा है, कर्म से कर्म बंधन बन रहा है, तो या तो कर्म करना बंद कर दे, वो भी हो नहीं सकता, इसीलिए ये मंत्र हमें अकर्म करना सिखला रहा है। आगे बढ़ना इसमें आएगा, कर्म विकर्म अकर्म अगला आने वाला है अध्याय, इसमें ये मंत्र हमें अकर्म सिखला रहा है, इसको याद रखिए। तो कर्म विकर्म और अकर्म, अकर्म मतलब भगवान के लिए कार्य करना, कैसे कर सकते हैं भगवान के लिए कार्य। तो ये सही है कि हम व्यापार करते हैं इत्यादि, उसमें बड़ा धोखा देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो यहाँ यही कहा गया है, प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म नहीं करता, नियत कर्म क्या है, वर्ण आश्रम के अनुसार अलग अलग नियत कर्म है, लेकिन उन सब नियत कर्मों में सबसे श्रेष्ठ नियत कर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति में लगना, भगवान की सेवा करना, और जितना हो सके झूठ का बोलना व्यापार में, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, ज्यादा नहीं। दो चीजें होती हैं व्यापार में, एक धोखा देना और एक थोड़ा बहुत झूठ बोलना। जैसे आपने कहा 10 रुपये की चीज है, आपने कहा 20 में लाया हूँ, 25 में दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लाए हैं मिट्टी और उसको सोना कहकर बेच रहे हैं, धोखा है। तो कम से कम व्यापार में धोखा बंद करना चाहिए, व्यापार में मार्जिन रखना ये स्वाभाविक होता है, ये तो वैदिक काल से चला आ रहा है कि जो वैश्य होते हैं वो थोड़ा बहुत अपने लिए कमाते हैं, लेकिन कमा कर उस धन को क्या करते हैं। भागवतम में कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्कंद में, कि कुछ चीजें कैसे शुद्ध होती, तो कहते हैं मन कैसे शुद्ध होता है, संतुष्टि से। अगर संतुष्टि नहीं है तो मन हमेशा अशुद्ध रहता है, मन की संतुष्टि के लिए, मन के शुद्धिकरण के लिए संतुष्टि चाहिए, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अन्य बहुत सारी चीजों को श्लोक में कहते हैं, और उसमें वो कहते हैं धन कैसे शुद्ध होता है, तो कहते हैं कि धन अगर आप भगवान की सेवा में लगा दें तो जो बाकी बचा हुआ धन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध हो जाता है। भगवान की सेवा में लगा वो तो शुद्ध होना ही है, उसमें कोई चिंता की बात, उसको सोचना नहीं है, लेकिन जो बाकी बचा जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके परिवार के लिए, आपके अन्य चीजों के लिए, वो शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए व्यापार को भगवान को केंद्र में रखकर करना चाहिए, जैसे माता जी ने कहा, लेकिन कैसे करना है वो सीखना चाहिए। तो ये कैसे जीवन जीना है अब हम आगे देख सकते हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं अकर्म कैसे करना। पढ़िए, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीवों को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। अन्य योनियों में कर्म बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते, विवेक नहीं होता, अन्य योनियों में विवेक नहीं होता। गजेंद्र मनुष्य था, गजेंद्र क्या था, मनुष्य योनि में था, हाँ, लेकिन यहाँ लिखा है कि वो लोग मुक्त नहीं हो सकते कर्म बंधन से, तो गजेंद्र क्या था, और कोई उदाहरण,
एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अच्छा, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जिनको को हटा दो साइड, नहीं हो सकता। यस, कोई एक्सेप्शंस हैं, साधारण नियम ये है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप किसी को कहें और कोई कह रहे आपके भागवतों में लिखा गजेंद्र मुक्त हो गया, आप कहते हो हो नहीं सकता, कैसे हो, एक्सेप्शन सर एवरीवेयर, कि वो बहुत रेयर केस है। और गजेंद्र भी कौन था, पूर्व जन्म में महान भक्त रह चुका था, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो अचानक पशु योनि से वो मुक्त हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जीव जब अन्य योनियों में होते मनुष्य योनि में ही अवसर मिलता है कर्म बंधन से मुक्त होने का। क्योंकि क्यों, शास्त्र कौन सुन सकते हैं, मनुष्य ना। आप अगर एडवर्टाइजमेंट कीजिए कि सभी कुत्ते बिल्ली भेसू के जितने कुत्ते बिल्ली जानवर हैं उनके लिए भक्ति शास्त्री कोर्स किया जा रहा है, अतुल कृष्ण प्रभु विशेष आ रहे हैं ऐसे करने के लिए, उनको बुलाकर यहाँ पे बिठाए और कुछ सुन सकते हैं शास्त्र। तो इसीलिए मनुष्यों के लिए। यस, आगे बढ़िए। अब कर्म विकर्म और अकर्म का वर्णन आ रहा है। भगवद गीता में कर्म अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। तो यहाँ कर्म अकर्म विकर्म की संक्षिप्त परिभाषा दी गई है। आशा करते हैं आप सब ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इसको विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। साधारण परिभाषा, कर्म अर्थात जो शास्त्रों में अनुमोदित कार्य हैं जब हम उनको करते हैं तो कर्म कहलाया जाता है। उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य के फलस्वरूप हमें अगले जीवन में अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। कोई धनवान बन सकते हैं, कोई सुंदर बन सकते हैं, कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, ये पुण्य का लाभ है। और कर्म हो गया विकर्म। विकर्म वो कार्य हैं जो शास्त्र में प्रतिबंधित हैं कि नहीं करना चाहिए, तो वो करने से हमें पाप लगता है। कर्म करने से पुण्य मिलता है, विकर्म करने से पाप लगता है, और पाप के कारण हमें दंड भोगने पड़ते हैं। जैसे व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है या फिर उसके जीवन में कष्ट आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कई बच्चे अंधे पैदा होते हैं, तो ये क्या कारण है? अभी तो बच्चे ने कोई काम किया ही नहीं, तो क्योंकि उसने पूर्व जन्म के जो कर्म किए थे, उसके विकर्म किए थे, उसके आधार पर उसको ये दंड मिलता है। तो कर्मों के सिद्धांत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। वो कहते हैं तीनों को जानना चाहिए। बोधव्यम मतलब जानो, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। क्यों? गहना कर्मणो गतिः। गति जो कर्म की गति है बड़ी गहन है, समझना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना चाहिए। तो कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म अकर्म विकर्म, ये थोड़ा सा हम समझा देते हैं। समझाएं या आगे चले, आप लोग सब जानते हैं। यस प्रभु। सर एक एग्जांपल, तुम्हें एक एग्जांपल दे सकते हैं जिससे हमको सीधा से सरल समझ। किसका? कर्म अकर्म विकर्म, वही समझा देते हैं। कर्म, कर्म कैसे अच्छा, अच्छे काम, काम कौन से? ओके, कर्म मतलब कुछ अच्छे काम करना, जैसे भूखों को खाना खिला देना, अनाथों के लिए कुछ खोल देना, हॉस्पिटल खोल देना, बिना भगवान से संबंधित। भगवान से कोई संबंध नहीं कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे भगवान गरीबों में है, राइट, तो हम केवल गरीबों की सेवा करेंगे, वही मेरे लिए भक्ति है। तो उसमें भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, बस वो केवल उनकी सेवा करे, तो अच्छा काम है। कम से कम किसी की सेवा कर रहे हैं, अपना जो धन कमाया है वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं दूसरे में लगा, तो उससे उन्हें पुण्य मिलता है। तो पुण्य मिलने से अगला जन्म बहुत अच्छे परिवार में, बहुत कुछ हो सकता है, कोई धनी परिवार में जन्म हो जाए या सुंदर रूप मिल जाए, कोई अच्छी
पद मिल जाए, ये सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल। और विकर्म क्या है? विकर्म जैसे किसी चोरी करना, हत्या करना, धोखा देना, शराब पीना, मांस खाना, ये सारे विकर्म कहे गए हैं शास्त्र में, जो प्रतिबंधित हैं। तो ये जब करते हैं तो पाप लगता है, तो इनके फलस्वरूप अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है या उसी जीवन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो कर्म का सिद्धांत ये है कि जैसा आप करोगे वैसा आपको प्राप्त होगा, सिंपल। अच्छा, हमको हम लोगों का यही टॉपिक है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान के बारे में बहुत स्पष्ट बताते हैं, यान्ति देवव्रतान देवान पितृ, यान्ति पितृव्रतान। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की करते हैं पितरों के पास जाएंगे, उनकी गति वो है। जो देवताओं की पूजा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वे कर्मकांडी होते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको पुण्य मिलता है। तो अगर अकर्म कर्म विकर्म की परिभाषा की जाए तो वो कर्म करते हैं, वो अकर्म नहीं करते। क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि उससे उनको अच्छा फल मिलता है। हम भक्ति क्यों, हम भगवान देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कुछ प्राप्त हो जाए। बिना मांगे तो कोई नहीं जाता देवी देवताओं के पास, वो तो केवल कृष्ण के पास आता है कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देवी देवताओं के पास कुछ ना कुछ कामना से जाते हैं। कर्म ठीक है प्रभु जी, हो गए समझ में आए? कृष्ण से भी अगर कोई मांगने के लिए आए तो क्या सही है कि गलत है? अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। कहा गया है कि अगर आपके अंदर बहुत सारी कामनाएं भी हैं, नहीं है बहुत अच्छा है, अगर है सर्व काम है तो भी कृष्ण के पास आना चाहिए। क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? वो पिता की तरह है, देवी देवता व्यापारी की तरह है। उदाहरण दिया, व्यापारी के पास आप जाइए दुकान में, एक बच्चा पैसा लेके चला जाता है 5-10 रुपया, बोले एक सिगरेट का पैकेट दे दो, वो दे देगा, उसको क्या लेना देना, उसने पैसा लिया। कौन सी सिगरेट आती है 555, राइट? हमारे समय में पहले पता नहीं कौन सी है 555, वो बच्चा दे देगा 555, वो दे देगा पैकेट। अब यही बच्चा पैसा लेके समझिए पिता के पास जाता है, बोले मेरे को जरा एक सिगरेट पीने का मूड है 555, पिता 5 इधर लगाएगा 5 इधर लगाएगा, मतलब हम कलयुग के पहले के पिता की बात कर रहे हैं। तो क्यों वो नहीं देगा? क्योंकि वो प्रेम करता है। तो भगवान चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास आता है विषयी व्यक्ति कुछ मांगने के लिए, तो वो मूर्ख है, विष मांग रहा है मुझसे, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, तो मैं उसे वो नहीं देता विष। तो भगवान क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि जो हम चीज़ मांगते हैं, समझिए भौतिक चीज़ मांगते हैं, भगवान कुछ धन दे दो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, कुछ नहीं, अगर भगवान सोचते हैं कि इसका अच्छा करने से भक्ति अच्छी करेगा तो दे देते हैं, लेकिन भगवान को पता है इसका व्यापार अच्छा किया तो ये तो दिखाई नहीं देगा ना संडे को ना कभी, भगवान चलते लगे ऐसे आते रहो काम करो नहीं मिलेगा। तो भगवान पिता की तरह है, अच्छा करना फिर तो करते, समझ में आया? देवी देवी काम करना ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, आते रहिए, कोई तकलीफ नहीं, भगवान भी देते रहेंगे, आते रहिए ट्राई करते रहिए। ओके, सो एक एक खाली प्रश्न है, कर्म विकर्म। हाँ जी प्रभु, कुछ प्रश्न? देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं तो फिर ऐसा उल्टा सीधा काम क्यों करते हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं, भगवान जो भगवान चाहते हैं वो क्यों नहीं करते? दरअसल वो जो भगवान चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि जीव इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए, तो सीधे भगवान के पास जाएगा नहीं मिलेगा तो वो भगवान को त्याग देगा, इसीलिए देवी देवताओं के पास जाएगा, तो कम से कम नियम के पालन तो करता रहेगा, नहीं तो वो सारे नियम छोड़ देगा। देवी देवता हैं हमें नियम का पालन सिखाने के लिए कि ये करो तो ये मिलेगा। बच्चे को जब चॉकलेट दी जाती है वो स्कूल जाता है शुरुआत में, नहीं तो रोता नहीं जाऊंगा, लेकिन माता पिता चाहते नहीं जाना चाहिए तो चॉकलेट देते, जानते हैं चॉकलेट खाने से खराब होने वाला है, इसका दांत खराब होंगे जो भी है, लेकिन वो रोता है तो दे देते, चलो जा स्कूल तो जाकर से, धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है, फिर वो नहीं जाता तो रोता है, अब नहीं भेजे तो रोता है मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना ये करना। तो भगवान भी ऐसे आदत लगाना चाहते हैं नियम की, नियम पालन शुरू करे, स्कूल जाना टाइम पर शुरू करे, क्योंकि लोग हैं कि इतने भोग में लगे करना, तो देवी देवताओं को बोलते तुम करो,
तो देवी देवता दरअसल भगवान की सेवा कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे वे लोग भक्ति में आगे बढ़े। हाँ, दूसरी ओर देवी देवताओं को स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं कि जो चाहे कर ले, उनके भी नियम बने, कोई आए तुम्हारी भक्ति करे तुम्हें दे देना, तुम्हें पूछना नहीं है कि आप क्या होगा, वो मेरा काम है, भगवान ने कहा तुम दे दो। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं, आप सब आपके स्टाफ रखते हैं, तो स्टाफ को कहते हैं ये पैसा है इतना है तुम्हें दे देना है, अब तुमको अधिकार नहीं कि कोई आए कहे या मुझे फ्री चाहिए ले जाऊँ कि नहीं, वो दे नहीं सकता, वो फ्री देने का अधिकार मालिक को, मालिक चाहे तो दे देगा ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नौकर नहीं दे सकता। तो प्रतिनिधि बंधे हुए हैं नियमों से, इसलिए वो ये कार्य भी करते हैं। ठीक है, देवी देवताओं की चर्चा बाद में आगे भगवद गीता में विस्तार से आएगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ कर्म कर्म का चल रहा है। तो ये जो कर्म कर्म है, ठीक है थोड़ा पढ़ लीजिए फिर चर्चा करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन तीन प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्मों के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भलीभांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों की प्रकार से दोनों प्रकार से कार्यों के फलों से मुक्त करते हैं। ईशो के पृष्ठों में किसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। हाँ, तो यहाँ ये अकर्म का वर्णन किया गया है, उपाय कह रहे हैं। तो कैसे, क्योंकि हमारे लिए पुण्य और पाप ये दोनों पाप है, पुण्य और पाप ये दोनों पाप हैं, क्योंकि दोनों बंधन में डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम का फल लेने के लिए भी आपको शरीर लेना पड़ेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरे काम का फल लेने के लिए भी शरीर लेना पड़ेगा। तो दोनों बंधन में है, तो भक्ति की दृष्टि से दोनों पाप है, पुण्य भी और पाप भी, क्योंकि दोनों बंधन के कारण ही है। यही प्रभुपाद कह रहे हैं, दोनों बंधन के कारण है। हम लोगों को शाश्वत जीवन की कामना करनी चाहिए, हमें ये केवल इस जगत में अच्छे बने रहने की अच्छी ऊंची, जैसे है कि कोई जेल में है तो कोई फर्स्ट क्लास जेल में चला जाए और कोई सेकंड क्लास थर्ड क्लास जेल में चला जाए, कोई फायदा है? चाहे फर्स्ट क्लास में रहो या थर्ड क्लास में, जेल में हो, बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त होना चाहेगा, जेल से बाहर आना ये उद्देश्य है, जेल में ही अच्छी स्थिति बनाना उद्देश्य नहीं। तो जब हम भक्ति नहीं करते हैं, कर्म और विकर्म में लगे रहते हैं, तो हम जेल में ही अच्छी बुरी स्थिति बना रहे हैं। इस जगत को जेल कहा गया है ना, दुर्ग, दुर्गा जी का दुर्ग है ये, और इस दुर्ग में हम सब हैं, तो हम केवल उसी में अच्छी और बुरी स्थिति बना रहे हैं। तो बुरी और अच्छी स्थिति बनाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, इस दुर्ग से बाहर जाना जीवन का उद्देश्य है। और जीवन का उद्देश्य शाश्वत जीवन तब प्राप्त होगा जब हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करेंगे। हमारे बहुत से संबंध है इस जगत में, हम बहुत लोगों को प्रेम करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए जिनको भी आप प्रेम करते हो ज्यादा समय रहने वाले नहीं है, चले जाएंगे लोग, है ना, हम सोचते नहीं है लेकिन ये होने वाला, व्यक्ति जाने वाला ही है। अगर कोई हम देखिए, एक तरह से विषय है कि अगर हम ये चीज हर रोज सोचने लगे तो कितने अच्छे हमारे संबंध हो जाएंगे। अगर हम सोचे कि मैं भी जाने वाला हूँ ये भी जाने वाला है, द्वेष होगा, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव होगा, नहीं ये भी जाने वाला कितने समय, जिस समय रावण का वध कर दिया भगवान श्री राम ने और रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा जाओ अंतिम संस्कार करो, विभीषण ने मना कर दिया, इसने आपके प्रति विद्रोह किया था, पापी व्यक्ति इसका मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, तो उस समय भगवान राम ने कहा कि द्वेष कब तक, जब तक व्यक्ति, अब तो वही नहीं रहा, अब उससे द्वेष क्यों कर रहे। तो आप सोचिए अगर हम ये भावना में रहे कि शाश्वत नहीं है, आज हमारे साथ है कल नहीं रहेगा, तो कितनी अच्छी तरह उससे आचरण करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप
किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसको कैंसर हो गया, उसको डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मरने वाला है, क्या आप जाके उसके साथ झगड़ा करोगे, उससे द्वेष करोगे, उसकी सारी बुरी बातों को याद करोगे, शक्ल नहीं देखूंगा इसकी मैं, ऐसा करोगे? अगर करोगे तो गलत कर रहे। साधारणतः व्यक्ति नहीं करेगा, वो सोचेगा चलो अब तो क्या है, 2 महीने में जाने वाला है, छोड़ दो उसे, जो भी इसने मेरे साथ किया, लेकिन अब मैं इसके साथ अच्छा संबंध स्थापित करता हूँ। और वो भी व्यक्ति उसको पता जाने वाला है तो वो द्वेष नहीं करेगा, वो क्षमा मांगेगा, अरे गलती हो गई, आगे मैं कभी ऐसे मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा आगे का जीवन अच्छा हो, या जो भी है, राइट, यही होता है ना। तो अगर हम लोग इस भावना में रहें कि ये जीवन शाश्वत नहीं है, थोड़े समय के लिए है, किस किस चीज़ पर हम लोग आकर्षित हो रहे, किन व्यक्तियों पर हम लोग आकर्षित हो रहे, थोड़े समय रहने वाले, बस इसी इस भावना में कार्य करें, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करें, तब हम इस शाश्वत जीवन को। तो ये प्रभुपाद समझा रहे, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस चक्कर में ना पड़े अच्छे बुरे के, उस जगत के बाहर जाने का कार्य करे। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म विकर्म और अकर्म, वैसे आज शाम को हम ये चर्चा करने वाले हैं, एक प्रोग्राम है जिसमें विषय यही है विस्तार से। तो उसका एक प्रश्न आता है कि जैसे कहा जाता है कि सब कुछ लिखा हुआ है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और हम लोग सब कुछ लिखा के लाए हैं, राइट, भाग्य। तो अगर सब कुछ लिखा कर लाए हैं तो फिर हम लोग कौन है, रोबोट्स, राइट, ये लिखा था कि आप यहाँ आने वाले हैं, भक्ति शास्त्री करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास स्वतंत्रता भी है, स्वतंत्रता जीव को दी है भगवान ने, भगवान जीव से स्वतंत्रता कभी नहीं लेते। इसीलिए कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते, क्योंकि भगवान जीव की स्वतंत्रता नहीं छीनना चाहते। तो अगर सब कुछ निश्चित है हमारे जीवन में तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, और भगवान का क्या रोल है? आप कह रहे सब कुछ निश्चित है तो भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है, तो होने वाला है सब कुछ, तो भगवान का क्या रोल है और हमारी स्वतंत्रता है या नहीं है, ये प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे भक्ति शास्त्र चलता जाएगा आपको उत्तर मिलेगा। श्री ईसो प्रसंग के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की हुई है, अतएव भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता 3.9.16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सत्व रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। हाँ, तो कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हम 3 गुणों के प्रभाव से बाहर जा सके। भगवद्गीता में भगवान इसको कहते हैं ना कि कैसे होने चाहिए, हमें गुणों के परे जाना चाहिए। सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीवन कैसा होना चाहिए हमारा, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम गुण के परे जाए। सगुणान, गुणान मतलब गुण, सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया कि इससे हम 3 गुणों के परे भी जा सकते हैं। आगे बढ़िए। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता है। ऐसे कभी कभी गलती से माता जी को भी पढ़ने देना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, नहीं वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। भक्त जी इंद्र के सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म फल की इच्छा से किए गए स काम, काम यानी कामनाएं इच्छाएं, स यानी उसके साथ, और निष्काम यानी बिना किसी काम में किए गए, और अकाम यानी अकाम मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा से किए गए। तो हमें मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए या अकर्म करने चाहिए? कोई मोक्ष की इच्छा नहीं है आप लोगों का?
मोक्ष का मतलब क्या है? कौन समझाएंगे? आप में से कौन बताएंगे मोक्ष का मतलब क्या है? परिभाषा क्या है मोक्ष की? अभी सबने का मोक्ष नहीं चाहिए। हमारे जी ने प्रश्न मुझे मोक्ष कह तो सब चुप है, सुना था कहीं पे कि मोक्ष नहीं चाहिए इसीलिए बोल दिया। हाँ जी, बहुत अच्छी। मोक्ष मतलब जेल से बाहर जाना, समझ में आया आपको? नहीं आया? मोक्ष मतलब जेल से बाहर जाना, लेकिन अकर्म करना मतलब जेल के बाहर जाकर क्या करना है? केवल जेल से बाहर जाना, बाहर खड़े होकर सोचना कि अरे अच्छा था अंदर ही खाना पीना तो मिल ही रहा था, ठीक है दो डंडे पड़ रहे थे लेकिन ठीक था, कम से कम खाना टाइम पर मिल जाता था, तो वो उद्देश्य नहीं। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास सही उद्देश्य नहीं है तो फिर से जेल में जाने की सोचेगा। जैसे समझिए आप जेल से बाहर आ गए, अब आपको कुछ नहीं करने को, खाने को नहीं मिल रहा है, आप बोलोगे अच्छा जेल में जाते हैं वहाँ कुछ मिलकर आ जाता है। तो सही जीवन को उद्देश्य, सही चीज को करना ये मोक्ष है। एक एक परिभाषा पूर्ण नहीं है। और हाँ जी, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना मोक्ष है, एक जिसमें सब है पर चीज और आनंद नहीं। ओके, ब्रह्म स्तर पर या ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना ये मोक्ष है, लेकिन जिसमें हमने उस दिन चर्चा की थी ना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, तो उसमें केवल सत है। ओके, ये भी ठीक है। और हाँ जी, जन्म मृत्यु दुख से मुक्ति हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। ओके, भक्ति नहीं है केवल जन्म मृत्यु से मोक्ष हो जाना, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इसमें एक उदाहरण जैसे माता जी ने कहा वैसे कि जैसे कोई कैदी है जेल में, वो सोचता है कि मैं इस कैद से भाग जाऊं, तो वो सुरंग खोद के भाग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसको पकड़, वो बाहर जब आ जाता है तो डर में रहता है, और फिर कुछ समय बाद उसे वापस जेल में डाल दिया जाता है, तो ये मोक्ष जैसी स्थिति हो गई। और दूसरा कैदी जो जेल में है वो ये समझ जाता है कि जो राजा है या जो रूल है उसके सरेंडर हो जाता है उस पे, तो वो भक्ति हो गई, तो फिर राजा जो है वो उसको संरक्षण देता है, तो ये भक्ति की स्थिति हो गई कि वो जेल में है पर वो सरेंडर हो गया, और दूसरा कैदी वहाँ से भाग गया है लेकिन वो डर में रहता है और वापस उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आपकी बात अच्छी, तो ये मोक्ष है, समझ में आ गया आपको? इतना समझा रहे हैं सभी लोग। दरअसल जिसको मोक्ष कहा जाता है, जो आप लोगों ने कहा है सब सही है, तो मोक्ष जिसको कहा जाता है कि केवल जैसे जन्म मृत्यु से परे चले जाना, धर्म में विलीन हो जाना इत्यादि, ये मोक्ष की अवस्थाएं हैं। लेकिन सच्ची मुक्ति क्या है, इसकी परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी गई है, मुक्तिर हित्वन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिहि। मुक्ति का अर्थ है, सच्ची परिभाषा है कि अपने जो हमने अन्य रूप लिए हुए हैं, मुक्तिर हित्वन्यथा रूपं, उन सबको त्यागना और स्वरूपेण व्यवस्थितिहि, अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको मुक्ति कहा गया। सच्ची मुक्ति वो है। अन्य जो मोक्ष जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष को मैं कहते हैं, वो मोक्ष है कि ब्रह्म में लीन हो जाना या जन्म मृत्यु से परे चले जाना, केवल इतना, पूर्णता नहीं। जैसे हमने आपको बताया कि चार प्रकार के आनंद हैं, कौन कौन से हैं किसी को याद है? जड़ानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, सेवानंद। तो जब हम जड़ानंद के परे जाते हैं तो कौन सा है? ब्रह्मानंद, वो मोक्ष की अवस्था है। ब्रह्म में भी आनंद है, वो मोक्ष है, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तीन ताप नहीं है, तो वो मोक्ष की अवस्था, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्णता कहाँ आती है? सेवानंद में। तो इसीलिए मोक्ष और या भक्ति अकर्म को थोड़ा सा अंतर माना। यस, ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट आत्म साक्षात्कार नहीं। आगे पढ़िए प्लीज। हाँ जी, मुक्ति और हमने अभी समझाया कि जहाँ मोक्ष कहा जाता है, सच्चा मोक्ष मुक्ति है,
अपरिपूर्ण मोक्ष वो है कि जहाँ ब्रह्म में विलीन हो जाए, जन्म मृत्यु से अभी पूर्ण नहीं है, इसीलिए फिर से उनको पतन की अधः फिर से आना पड़ता है, फिर भक्ति करके वो भगवान को पूर्ण प्राप्त करते हैं। माता जी हमें कोई पढ़िए, प्लीज माइक दीजिए। चौरासी लाख योनियां इन रूपों को त्यागना, ये अलग अलग रूप जो हम लोग लेते हैं, और स्वरूप अर्थात जो हमारा मूल रूप है आध्यात्मिक जगत में उसको प्राप्त करना। आगे बढ़िए। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होगा, परंतु जीवन में जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के सारे तनाव तुरंत नहीं पकड़ा सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक कर्म करने का आदि होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इन्हें ईश केंद्रित कर दे, गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भागवत केंद्रित भगवान से संपन्न करे। तो हमें समाज के कार्य करने में कोई तकलीफ नहीं है, राइट, हमें करने चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि भाई मैं समाज के कार्य करता हूँ, आप लोग सब बेकार में बैठे सुबह सुबह हरे कृष्णा करते रहते हैं, कोई तो आपको लाभ है नहीं, आप समाज के लिए कुछ क्रिएटिव काम तो करते नहीं हैं, तो कैसे आप जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे? तो कह रहे हैं आप लोग सब बेकार में खाली बैठ कर हरे कृष्णा करते हो, ये समझ। व्यक्ति के पेट में खाना नहीं गया है, अभी आप कृष्ण केंद्रित बात कर रहे हो, कहाँ से होगा? पहले भूखों को खिलाना चाहिए, जो गरीब है, मर रहा है, जिसको बीमार हो रहा है, उसको बीमारी भुल रही है, आप उसको कृष्ण भक्ति जाकर कहो कि जपा करे, कैसे जपा करेगा? तो क्या आप लोगों का काम एकदम बेकार है? यस, उसमें एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि अगर कोई नर्स है, कोई किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके शरीर में भी घाव है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो गई है, तो जो नर्स है वो क्या कर सकती है, खाली शरीर के घावों को भर सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग को ठीक करने के लिए डॉक्टर को या सर्जन को बुलाना होगा। तो वैसे ही जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो वो शरीर के स्तर पे काम कर रहे हैं, और जो भक्त हैं वो सर्जन की तरह है और वो हृदय का परिवर्तन कर रहे हैं। यद्यपि जो सर्जन है वो दोनों कर सकता है, हेल्प मतलब शरीर के स्तर पे भी मदद कर सकता है और जो हृदय परिवर्तन भी कर सकते हैं उसके जीवन को। तो आप लोग पहले शरीर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते हो, सीधे आप लोग अंदर इंटरनल ब्लीडिंग कर रहे हो, बेचारे बाहर से खून निकल रहे हो तो आप बंद नहीं कर रहे, पहले भूखों को खिलाइए, पहले कपड़ा बांटिए, बाद में ये सब हरे कृष्णा कीजिए, ये सब आप लोग बेकार में पहले बोलते हो चैंट एंड बी हैप्पी, कहाँ से हो जाएगा बी हैप्पी चैंट करके? यस प्रभु, समझ जाते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग, ये मत बोलिए, उनको रिकॉर्डिंग डालेंगे, देखिए अतुल कृष्ण प्रभु क्या क्या बात करते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर एक बच्चा गुम हो जाता है बराबर, तो रेलवे स्टेशन पर दिखता है बच्चा अपने को, तो अपन जा कोई एक होता है जो उसको बच्चे को खिलाता है, ठीक है, और या दूसरा कोई होता है वो उसको कहीं अच्छी जगह लेके जाता है, और तीसरा जो वे है तो उसको पुलिस स्टेशन बुला के दे देता है। तो हम लोग पिता से जोड़ रहे हैं ताकि बच्चे को सब कुछ मिले, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
ठीक है, अभी ज्यादा चर्चा नेक्स्ट आगे बढ़े क्योंकि ऐसी चर्चा है जो होती है तो सबको बड़ा आनंद आता है झगड़ा करने के लिए, क्योंकि प्रवृत्ति है झगड़ा करने की। यस आगे बढ़िए, कृपया पढ़िए, क्यों इतना समय व्यर्थ हुआ। भागवतम बड़े से बड़ा कार्य भय से बचा सकते हैं। कौन सा श्लोक है? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमत्यस्य धर्मस्य प्रायः। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुण्य न गिर जाए। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है मनुष्य जीवन का? धन चले जाना नहीं है, व्यक्ति चले जाना नहीं है, हमारे प्रियजन चले जाना नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हम नीचे की योनियों में 84 लाख योनियों में फिर से गिर जाए। लाभ क्या होगा? 80 लाख योनियां पार करके हम ऊपर आए हैं। आप लूडो खेलते थे कभी? है ना यार, है ना, वो 99 तक पहुंच जाए या 98 पता नहीं कहाँ पर होता था सा एकदम टॉप पर। 98 तक सबसे लंबा 2 पैसे था, है ना, बीच बीच में भी सांप होते थे पीछे, वो वाला बड़ा लंबा होता था। तो ये है कि आप इतनी मेहनत करके 80 लाख योनियों में पार करते 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 ऊपर पहुंचे लूडो खेलते हुए कि बस अब 100 पहुंचना है, कृष्ण प्राप्ति बस जरा सा है, 2 रह गए हैं। अब पता चला कि सांप ने काट दिया, यानी ये सबसे बड़ा खतरा है कि फिर से आप कहां जाओगे? पुनः मुशी का भवा, फिर वही करोगे, फिर से वो पूरे 84-80 लाख योनियों में से पार होते होते फिर वही बंदर बनोगे, फिर वही पेड़ बनोगे, फिर वही पशु बनोगे और फिर उसके बाद मनुष्य बनोगे। तो बताइए कितना बड़ा खतरा? वो ज्यादा बड़ा खतरा है कि ये कुछ धन चले जाना बहुत बड़ा खतरा है? हम अपने धन की कितनी सिक्योरिटी करते हैं? व्यक्ति के पास धन हो बहुत सिक्योर रखता है, ताले में, लॉक में। हम एक बार मंदिर में थे तो रात के समय मंदिर में कुछ आवाज आ रही थी, मतलब हमारा मंदिर था, पीछे खाली जगह थी, किसी का घर बन रहा था, तो घर को दिन में बनता था, तो हम लोग सो गए थे। रात को 11 बजे हमें किसी ने उठाया, मेरे जो अधिकारी थे हमने उठाया उनको कि बोले वो मुझे नींद नहीं आ रही, वो पीछे से कुछ आवाज आ रही है। अब एक तो खाली घर वो जंगल की तरह, अब बोले रात को 11 बजे जाके देखो क्या आवाज आ रही है। अभी खैर तो हम लोग चले गए, जाना था, अधिकारियों ने कहा जाना पड़े। तो अब वो पहुंचे, वो एक बंगला बन रहा था, कोई नहीं वहां पर, खाली एक, लेकिन ऊपर से जरा से कहीं से आवाज आ रही है। नीचे से चिल्लाना शुरू किया, हरी बोल, हरे कृष्णा, कौन है? कोई आवाज कोई जगह नहीं है। हमें सोचा वापस चले जाते, बोल देंगे अधिकारियों को कोई नहीं है वहां पर, लेकिन ऐसे फिर ऊपर गए। तो ऊपर गए तो हम देखते डरते डरते जा रहे थे, क्या दिखाई देगा पता नहीं। तो जैसे दरवाजा खोला देखा, वो लोग बाथरूम के अंदर 2-3 लोग काम कर रहे हैं। तो डरे हुए थे ना, तो इसलिए जोर से गुस्से में उनको कहे, कोई तरीका है कोई काम करने का? कोई एक टाइम है काम करने का? तेरे बहुत डांट दिया उनको, एक्चुअली डांटना नहीं था, डर का सारा निकल गया। तो वो क्या कर रहे थे हमने देखा उस समय, क्योंकि बाथरूम में हमने देखा क्या क्या बना रहे हैं। तो बाथरूम के अंदर जो कबर्ड होते हैं जिसमें आप साबुन वाबुन रखते हो, ऐसे दिख रहा था सब, क्योंकि वो कबर्ड खोलेंगे तो अंदर तिजोरी थी। मतलब आप सोचिए कितना दिमाग लगाया कि अगर कोई चोर आ भी जाए चोरी करने, वो कभी नहीं सोचेगा कि बाथरूम के अंदर पैसा रखा हुआ है। लोग बेडरूम देखेगा, कहीं कुछ देखेगा, बताइए बाथरूम के अंदर तिजोरी। अब आप लोग ये मत सोचिएगा अच्छा आइडिया है, इसलिए नहीं कह रहे आपको, तो पता चला है तो आप लोग बोलते हैं अच्छा आइडिया है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम अपने धन की कितनी सुरक्षा करते हैं, हम अपनी अन्य चीजों की कितनी सुरक्षा करते हैं, परिवार के जनों की कितनी सुरक्षा करते हैं,
घर में वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगते हैं, कैमरा लगता है, अंदर आया पहले देख ले कौन है, नीचे सिक्योरिटी है, सब सिक्योरिटी। लेकिन हम इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं करते कि हम कहीं नीचे की योनि में ना चले जाएं, 84 लाख योनि, तो वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। यहाँ ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, और कोई खतरा नहीं है। तो इससे डरिए और इसीलिए भक्ति कीजिए कि ताकि हम वो सांप नहीं काट ले 98 पे पहुंच के, बस पूर्णता प्राप्त होने वाली है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति में लग गए, थोड़ा बहुत द्वेषों में लग गए, थोड़ा बहुत एक दूसरे से घृणा करने में लग गए, प्रेम करना बंद कर दिया, बस 98 तक पहुंच गए हैं, भक्त हो गए हैं। 98 पहुंचना मतलब भक्त, 98 पे है ना, 98 तक पहुंचना मतलब भक्त हो गए हैं। कंडी पहन ली है, 25 साल हो गए जब करते हुए, राइट। लेकिन क्या होगा, सांप, क्या सांप है, अभी तक हृदय से द्वेष नहीं गया, अभी तक मान सम्मान की भावना नहीं गई, अभी तक कृष्ण को पूर्ण समर्पण नहीं किया, केवल बोल रहे हैं। अब बोलते हैं ना ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ये कहते हैं ना बस बहुत जोर से श्रील प्रभुपाद की जगह, क्या कहते हैं, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, यानी जितना भी श्रेय है वो प्रभुपाद के लिए है, ये कहते हैं केवल, लेकिन कहने में भी अपना श्रेय लेना चाहते हैं। मैंने कितना अच्छा बोला भाई, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद आप बोल रहे हो, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग आप बोल रहे हो, लेकिन आप दे नहीं रहे हो ऑल ग्लोरीज, अपने लिए कुछ रख रहे हैं। ये खतरा है, ये 98 पे जो खतरा है बहुत खतरनाक है, उसको संभालना चाहिए भक्ति में आने के बाद। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रगत आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुण्य विकास चक्र में गिर जाता है तो उसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, और कोई दुर्भाग्य नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ो। मनुष्य अपने दोषपूर्ण इंद्रियों से ये नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है, पर स्वरूप ईश्वर निषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईश्वर वास्तव रूपी भावना में लगाए। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई सौ वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर भूखनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और चोरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊन की तरह खाते रहने से कोई लाभ नहीं। हाँ, ये जो वाक्य प्रभुपाद लिख रहे हैं अंतिम वाक्य, उसको ध्यान से पढ़िए। यस, अरे माइक पास में रखिए, आप बहुत दूर से आवाज ही नहीं आ रही आपको। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित प्रोकार या समाजवाद से युक्त विराट प्राखंड से कभी अच्छा है। हाँ, तो एक बहुत नम्र भगवत केंद्रित जीवन हमें जीना है। जरूरी नहीं है आप बहुत बड़ा बड़ा परोपकार कर रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, कोई आवश्यक नहीं। विनम्र भगवत जीवन, भगवत केंद्रित जीवन हमें जीना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष है, कई कई वर्षों तक जीता है, क्या लाभ है खड़ा हुआ एक जगह पर। एक प्रवचन में प्रभुपाद समझाते हैं कि हम एक जगह गए, हजारों वर्षों से खड़ा और हजार वर्ष तक खड़ा रहेगा, क्या लाभ है ऐसे जीवन का। तो प्रभुपाद कहते हैं 2 वर्ष जियो, लेकिन भगवत भक्त बनकर जियो, वो जरूरी है। 100,000 वर्ष जीकर कोई लाभ नहीं। या वही कह रहे कि पेड़ होता है कोई फायदा नहीं, या फिर वो एक सुनार या जोहार, क्या बोलते हैं उसको, जो बेलो, हाँ धोकनी, थैंक यू। कई बार कई दिनों से शब्द ढूंढ रहे थे मेरे यहाँ, तो धोकनी रहती है, वो भी सांस लेती रहती, भाग 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 आवाज, तो ऐसे जीने का कोई लाभ है, खड़े रहने का कोई लाभ है ऐसी सांस लेने का, और फिर कह रहे ऊँट की तरह खाना। ऊँट कैसे खाता है, खाते तो सब है, ऊँट का ही को नाम दिया है, कांटे खाता है, गले में से खून निकलता है, उस खून का स्वाद लेता है, उसको लगता है कांटे कितने टेस्टी हैं, और हाँ कांटे टेस्टी नहीं है, उसका जो खून निकल रहा है वो टेस्टी है। तो हम लोग भी इस जगत में ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें हमें लगता है बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। आनंद किसका आ रहा है कि आपका सारा समय व्यर्थ हो रहा है। जैसे भागवतम के चतुर्थ स्कंध में लिखा गया है कि व्यक्ति बहुत
बचा बचा के पैसा कमा कमा के चोरों से लेकर आता है घर में, भूल जाता है कि दसवीं तो सारे घर में पड़े हुए हैं, है ना। वो बड़े प्रेम से निकाल भी लेते हैं आपके पॉकेट से और आपको बड़ी खुशी खुशी ले जाओ। समझ जाते भागवत में लिखा है, हम इसे देख नहीं पा रहे थे। आगे बढ़िए प्लीज। प्रभु जी, हाँ जी, विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। हाँ हाँ, तो ये जैसे हम लोग एक दिखावा करते, पाखंड यानी दिखावा करना कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कोई अच्छा कार्य नहीं है। किसी के लिए आप कुछ चीज़ें कर देते हो जब तक उसको भगवान से नहीं जोड़े। इसलिए प्रभुपाद ने शुरुआत में कहा, इसके ऊपर आप देखिए, प्रभुपाद कहते कोई तकलीफ नहीं है लोगों को, ऐसा नहीं कह रहे कि हमें कोई मदद नहीं करनी चाहिए, किसी को खाना नहीं खिलाना, किसी को कपड़े नहीं देना है। उनको भगवान से जोड़िए, उनको प्रसाद खिलाइए, उनको कहिए कीर्तन करें, प्रसाद दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। कम से कम उन्होंने भगवान का नाम लिया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, ये अकर्म हो गया आपके लिए। लेकिन अगर केवल ऐसे ही बांटते हैं तो फिर वो कोई लाभ है, केवल दिखावा पाखंड है कि हम हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जीवन अच्छा है। ठीक है, आगे जैसे इसमें लिखा है कि फलस्वरूप ईशो उपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं और इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। जो लाइन है अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है, आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। लोग बर्थडे मनाते हैं, राइट, हैप्पी बर्थडे, क्या हैप्पी है उसमें, एक साल और मृत्यु के निकट आ गए, यही हैप्पी है, क्या हैप्पी है। लोग बड़ा बलून लगाते हैं, पार्टी देते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जिस दिन आपने जन्म लिया आपका मृत्यु तो निश्चित था, और एक एक साल आप निकट आ रहे हैं उसके, और एक एक साल निकट आकर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए लोगों की मूर्खता है ना, अरे मातम मनाना चाहिए बर्थडे के दिन उन लोगों को, हाय हाय सर पीटना चाहिए कि एक और साल में निकट आ गया मृत्यु के, उसकी जगह वो बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। तो सेलिब्रेशन वर्ष क्षमा चाहते हैं आप लोग, अगली बार सूरत में एंट्री नहीं मिलेगी हमें पता है। सो बर्थडे मनाने का अधिकार केवल भक्तों को है, क्यों, क्योंकि वो किस लिए बर्थडे मनाते हैं कि हमने एक साल और भगवान की सेवा में पूरा कर लिया, इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जीवन में एक साल और कम हो गया उसको, वो तो क्या सेलिब्रेट करना है। तो इसीलिए अगर हम ईशावास्य भावना में हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना जीवन हो जब तक हम सेवा करते रहें और बढ़ना चाहिए। क्यों हम कामना नहीं करें, क्यों हम कामना करें कि जल्दी मेरी मृत्यु हो जाए। जल्दी मृत्यु की कामना तो वो करे जो दुख में है, जल्दी मृत्यु की कामना तो वो करे जिसको कोई जीवन का उद्देश्य नहीं पता, जल्दी मृत्यु की कामना तो वो करे जो भगवान को नहीं जानता। लेकिन जो भक्त हैं, जो ईशावास्य सिद्धांत पर जी रहे हैं, उनको क्यों मरने की इच्छा करनी है, वो तो इच्छा करनी चाहिए कि और भगवान एक साल और दीजिए मैं आपकी सेवा करूं, दस साल और दीजिए कोई चिंता नहीं है। भक्त ये इच्छा करता है कि आप कहां भी रखिए मुझे, वो इच्छा नहीं करता कि मैं भगवान आपके धाम आना चाहता हूं। भक्त इच्छा करता है स्वर्गे वा निरहे, आप स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, कहीं रखो, मुझे आपकी भक्ति में लगाए रखो। भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि आपको अगर मुझे अगले जीवन में कुत्ता भी बनाना है ना, किसी ने कहा था यहाँ पे, अगले जीवन में कुत्ता भी बनाना है तो बनाइए, लेकिन एक भक्त के बाहर, भक्त के घर के बाहर खड़ा रहूं ताकि जो उसका झूठन हो वो मैं खा सकूं, ऐसा मुझे बनाइए। तो ये है कि हमें जीवन की कामना करनी है कृष्ण भावना भावित जीवन की, क्योंकि इसमें और शाश्वत जीवन में कोई अंतर नहीं है। अगर हम यहाँ भी भगवान की सेवा में लगे हैं, इसको जीव मुक्त कहते हैं। मुक्ति में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक मुक्ति एक प्रकार की है जीव मुक्त। जीव मुक्त यानी इस दुनिया में रहते हुए, भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुक्त हैं। क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा में लगे। जैसे श्रील प्रभुपाद, उनको क्या चिंता थी, शरीर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोग और ज्यादा जीने की कामना कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके रहने से अन्यों को सच्चा लाभ होता है, उनके रहने से कृष्ण भावना भावना का प्रचार होता है, उनके रहने से अन्य जीव भगवान के पास जाने की कामना करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा रहना चाहिए इस पृथ्वी पर, ठीक है? हरि बोल, नहीं सेवा अच्छी कीजिए, चलिए आगे बढ़ें। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। जैसे अभी आप लोग बर्थडे मना लीजिएगा, आप सब भक्त हैं। हाँ जी, सॉरी। ऐसे कर्मों की संस्कृति भगवद गीता 18.5 से 9 में की गई है, क्योंकि उसमें अनेक कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो यहाँ सच्चे परोपकार का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं कि सच्चा आप परोपकार करना चाहते हो, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? तो वो ईशोपनिषद की भावना में उसको करना चाहिए, जिसको कर्म योग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमें अंग्रेजी भाषा के नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। तो आप लोग लाभ उठाने वाले हैं जल्दी ही, है ना? पढ़ने वाले हैं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो यहाँ प्रमुखता प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सच्चा परोपकार ये है कि हम सबको कर्म योगी बनाएं। लोग कहते हैं मैं कर्म योगी हूँ, मतलब मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ, बस। लोगों के लिए कर्म योग क्या है? मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ, आप लोगों की तरह ये खाली बैठ कर सोलह माला जप नहीं करता हूँ, मैं कर्म योगी। वो कर्म योगी नहीं, काम योगी है। काम में विश्वास रखते, केवल काम करते रहो, काम करते रहो, वो कर्म योग नहीं है। योग मतलब भगवान से जुड़ना। अगर आप अपने कार्यों के द्वारा भगवान से नहीं जुड़ रहे तो काम योगी हैं आप, कर्म योगी नहीं हैं, क्योंकि आपकी केवल काम वासना बढ़ रही है। आप इस जगत में कुछ प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, नहीं तो आप किसके कर रहे हो कार्य? अगर भगवान के लिए नहीं कर रहे, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हो? अपनी संतुष्टि के लिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, तो इसलिए वो काम योगी है, कर्म योगी नहीं है। तो यहाँ कर्म योगी बनाना है, मतलब कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो ये दूसरे श्लोक का तात्पर्य का सार है। जैसे कर्म बंधन मृत्यु का कारण है, प्रभुपाद पहले समझाते हैं। पंक्तियों का ये मत देखिएगा, थोड़ा सा गलत है टाइपिंग में, थोड़ी मिस्टेक। कर्म बंधन मृत्यु का कारण है, मानव जीवन अकर्म के द्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए है। वेद मूल रूप में अकर्म का नेतृत्व करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के जीवन में भगवान को लाने से आरंभ होता है। तो इंद्रिय तृप्ति हम कर रहे हैं, अगर भगवान को लाएंगे तो अकर्म का आरंभ होता है। वो ओम गलत लिखा हुआ उधर, बिना भगवान के सब कुछ व्यर्थ है, और सभी पर्यायवादी को कर्म योग में लाना है। ये अंतिम जो प्रभुपाद ने समझाया, तो ये कुछ चीजें इस दूसरे श्लोक में कही गई हैं। प्रमुखता इसमें कर्म बंधन का वर्णन किया गया है कि कैसे कर्म बंधन होता है, हम लोगों ने विस्तार से उसकी चर्चा की, और ये सबसे बड़ा खतरा है। ये अभी आप लोगों को समझ में आया ना कि कर्म बंधन सबसे बड़ा खतरा है, हाँ? या कोई और चीज हमारे लिए खतरनाक है? कर्म बंधन, ठीक है। तो अभी तीसरे मंत्र पर चर्चा शुरू करेंगे। दूसरे मंत्र में वर्णन किया गया कि आदमी हजारों हजारों सौ कई सौ वर्षों तक जीने की कामना कर सकता है अगर ईशावासित, और जो नहीं करता उसकी गति क्या होती है? जो ईशावासित सिद्धांत का पालन नहीं करता उसकी गति क्या होती है? ये तीसरे श्लोक में कृपया दोहराइए। असूर्या नाम ते लोका, सूर्या नाम ते लोका, प्रेत्यादि गच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्यादि गच्छन्ति,
एके चात्महनो जनाः। ये माइक इसके पास आवाज आ रही है कहीं पर, हाँ साइड। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हुए हैं। तो ये उन लोगों का स्थान बताया जा रहा है जो लोग भगवान की भक्ति या ईशावासी सिद्धांत का पालन नहीं करते, उन लोगों का ये वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको ये है, वैसे ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है तीसरा, इसको नौवे मंत्र में और विस्तार से इसका समझाया जाएगा। तीसरा नौवा मंत्र आप पढ़ेंगे, नौवा मंत्र कौन सा है देखिए, नौवा जो मंत्र है, अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये ये विद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यया मृता। तो अंधम तमः प्रविश्यन्ति, और यहाँ पर क्या किया कहा गया है, असूर्य नाम तेलों का अंधेन तमसावृता, वही चीज यहाँ पर है और वही नौवे श्लोक में इसको विस्तार से फिर आगे समझाया जाएगा। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि आत्मा के हत्यारे, हनन करने वाले, आत्मा की हत्या होती है। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, न जायते क्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर को मारा जा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं। यहाँ के पहला शब्द क्या है, आत्मा। आत्मा को मारने वाला कैसा हो सकता है, आत्मा का हनन कैसे हो सकता है, आत्मा के हत्यारे किसको कहा गया। बार बार जन्म लेना मरना हो के, और आत्मा के हत्यारे, बहुत अच्छा, कृष्ण की शरणागति नहीं ली, भक्ति नहीं की, बहुत अच्छा। और कोई भक्ति नहीं की, मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, ईशावास्य सिद्धांत को फॉलो नहीं किया, बहुत अच्छा। यस, हाँ, आत्मा को भगवान से दूर ले जाना ये आत्मा के हत्या है। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रभुपाद ने समझाया था कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, 84 लाख योनि में नीचे गिरना। तो अगर किसी शरीर को मारा जाता है, मान लीजिए, तो क्या होगा, उसको और एक शरीर मिल जाता है ना। लेकिन अगर आत्मा को मार दिया जाए, मतलब अगर आत्मा को भगवान से दूर ले जाया जाए, तो फिर कई कई योनियों में नीचे सांप काट लेता 98 में, तो वो फिर नीचे चले जाते हैं। तो आत्मा के हत्यारे क्यों कहे गए हैं, क्योंकि वे लोग आत्मा को भगवान से दूर ले जाते हैं। भगवान से दूर ले जाने का अर्थ क्या है, सारे पाप कार्यों में लगते हैं, भोगों में लगते हैं, जीवन का उद्देश्य ये समझते हैं कि बस परिवार चलाना, समाज चलाना, राष्ट्र चलाना, यही जीवन का उद्देश्य है, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग ये आत्मा के हत्यारे हैं। इनका वर्णन विस्तार से नौवें श्लोक में भी होगा आगे कि किन किन लोगों को आत्मा के हत्यारे कहा गया है, और तो हम लोग जब आएंगे तो बड़े उस पर चर्चा करेंगे। कृपया आप पढ़िए। तात्पर्य, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन उत्तरदायित्वों से भुगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सूर्य देवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें उनकी इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये सूर्य लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बना दे और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देवी विमान रहता है। तो सूर्य और असुर दो ही प्रकार के लोग हैं इस जगत में, भक्त कहाँ है,
भक्त सुर में आते हैं, देवता है, सुर मतलब देवता, असुर मतलब दाना, भक्त नाम है। हाँ ओ जय हो, इससे होते हुए भी हम संसार के नहीं है हम लोग, हाँ सब दिव्य स्तर पर है हम लोग सब। बहुत अच्छा, धन्यवाद, हमें पता नहीं था, आज पता चला कि यस। और मनुष्य काम गए, अच्छा चलिए आप लोग भक्तों को तो दिव्य कर दिए, बाहरी कर दिया आपने, मनुष्य काम गए। सुर और असुर दो ही प्रकार के लोग हैं, मनुष्य काम गए। बहुत अच्छा, हम ये यही सोचे थे, आप लोगों ने पढ़ा के नहीं ठीक से सुना के नहीं सुना, बहुत स्पष्ट प्रभुपाद ने किया। जैसे एक श्लोक का वो तात्पर्य दे रहे हैं, विष्णु भक्त सुरा प्रोक्त असुर तद विप्रया, मतलब जो भगवान के भक्त हैं उस सुर कहलाते हैं, और जो भी उनके विपरीत है विप्रया वो सब असुर। ठीक है, अब ये बात जाकर आप बाहर मत बोलिए, सत्य है। लेकिन अब आप जाकर हर एक को भक्ति करते हैं, नहीं असुर। अपने घर में जाए, आपके ससुर हैं, भक्ति करते हैं, ससुर नहीं असुर है। ये थोड़ा संभाल कर बोलिए, इसलिए आपने कह रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एंथुसियाज्म, तो वो जाकर हमने पढ़कर आए, वो अगली बार आ गया लॉक लगाएंगे, बोले जी नहीं तो लॉक लगा, ये क्या है, ये क्या सिखा रहे हैं सर। लेकिन सत्य यही है, तो सत्य को बोलना कब है वो आपको बता रहे हैं, सभी की सत्य है तो आप जाकर सबको बोलते रहे कि आप ससुर हैं या सुर हैं जो भी है। तो अर्थ ये है, क्यों सुर और असुर में अंतर क्या है, कोजा भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़े तो बड़े विस्तार से भगवान ने दैवी और आसुरी दोनों का वर्णन किया है। तो लेकिन अंतर, मुख्य अंतर क्या है सुर और असुर में, भगवान की भक्ति, भगवान का समर्पण, तो अगर नहीं है तो असुर है। अब आप ये मत सोचिए कि हम लोग अगर भक्ति करने लग गए तो हम लोग असुर नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों है असुर अभी भी, समर्पण नहीं है अभी, भक्ति नहीं कर रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं, और उसमें भी हमारे जो आसुरी स्वभाव है पूरे बने हुए हैं ना, कहीं चले गए। आप लोगों ने भक्ति शुरू की उसके बाद आपके मन से काम क्रोध द्वेष लोभ मात्सर्य सब, अब आपको सब, आप सब लोगों को समान देखते हैं, कोई आपके आकर अपमान कर दे आप बोलते कोई बात, भगवान की कृपा है, तत्ते हैं कंपास समीक्षा मान बोलते हैं सर, मात्सर्य सत्कार द्वेष तो बोलते हैं, सब लोग करते हैं कि बस सब चला गया अभी तो, कोई आकर हमें अपमान कर दे तो भगवान की कृपा है ना। मुक्ति का अधिकारी कौन है, भागवत में क्या कहा गया है, तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो भुज्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुरभि विदधन् नमस्ते जीवेत योगुक्तिपदे सदाय भाव। मुक्ति पद का अधिकारी कौन है, तत्ते नुकंपा, जो हर अवस्था को भगवान की कृपा मानता है, सुख है भगवान आपकी कृपा, दुख है ये भी आपकी कृपा, सुख को तो हम लोग कृपा मान लेते हैं भगवान की, है ना, भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, दोनों फैक्ट्रियां बढ़िया चल रही है, और एक बार जरा सा कुछ हो जाए भगवान ऐसा क्यों किया, 3 साल हो गए जब करते हुए, अब ये तकलीफ क्यों आ रही, वो कृपा नहीं है, है ना, सुख ना सुख कृपा है, दुख कृपा नहीं है, दुख को भी कृपा मानना है, क्योंकि दुख देकर भगवान हमें सिखला रहे हैं कि ये जगत तुम्हारे रहने लायक नहीं है, बाहर जाओ यहाँ से, नहीं तो हम लोग तो जीना यहाँ, थैंक यू, आगे बढ़िए। बुद्धिमान मनुष्य कौन है, कहें भाई ये आगे भी माइक नहीं आता, प्रभु जी ने लोग बैठे हुए माइक सब पीछे घूमता रहता, क्या बात है, कुछ विशेष ऐसा, हम इसलिए कह रहे हैं कि सबको अवसर मिलना चाहिए, कुछ ही लोगों में नहीं घूमता रहे, बाकी लोग अपना माइक आता भी है तो पास में कर देते कि नहीं थोड़ा इधर जाओ, तो हम सब देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए, मार्क्स देते समय याद रहेगा,
क्योंकि आपने बताया था 5% मार्क्स उसके लिए कि आप लोग कितना भाग लेते हैं क्लास में। हाँ जी, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये पढ़ना शुरू कर रहे थे इनकी आवाज को क्या हो गया बड़ा आश्चर्य हो गया इनकी आवाज को क्या हो गया जो भी पढ़ेगा पढ़िए प्लीज अब बाद में पढ़ लेंगे। और इस मानव शरीर की तुलना एक सूत्र नाव से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविक से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मन समीर से की जाती है जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं से होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। ईशोपनिषद स्पष्ट रूप में चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञात के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। हाँ, तो ये भागवतम का श्लोक है। मृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूले न भस्वतेमितम पुमान भवाभ्येन न करेत स आत्महा। तो वहां आत्महा का परिभाषा दिया गया। कौन है आत्महा? जो जानता है, जिसको शरीर मिला है, मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर क्या है? बहुत अच्छी नाव है। मृदेहम, मृदेहम यानी मनुष्य शरीर। आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन क्या है? एक सुदृढ़ नाव की तरह। और जो गुरु है कर्ण धारण, गुरु उसके कैप्टन है। और फिर नाव को चलने के लिए क्या चाहिए? एक तो पानी चाहिए, बिना पानी के नाव नहीं चल सकती। पानी की तो कमी नहीं है, भवसागर है यहाँ पर, है ना, इसलिए पानी की कमी नहीं है। तो हमारे शरीर नाव की तरह है, गुरु कर्णधार है और अच्छी हवाएं चाहिए, नहीं तो नाव बह नहीं सकती सही दिशा में। तो वो शास्त्र मयानुकूले न भस्वते रितम, शास्त्र या भगवान जी जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन की सुविधाएं ये हमें इसलिए मिली है कि हम अपनी नाव को भगवान की ओर ले से आ सके। इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन में भक्ति करनी चाहिए। आगे बढ़े। ग्यारहवें स्कंद का श्लोक है ये। हाँ बता रहे हैं, नंबर किसी को याद है? हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम का नहीं हो तो ढूंढ लीजिए, तब तक आप लोगों के पास तो कुछ नहीं जाता है। तो ये श्लोक कहाँ से? हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बता देंगे क्लास खत्म होने से पहले। यस, आगे पढ़िए। यद्यपि सूकर कूकर ऊंट गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य कलर की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुँचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही करना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है।
और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भ्रक्षा करने पर भी उसी बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो पशु हैं वे भी कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्य का उद्देश्य क्या है? पेट भरना। तो अगर हम लोग भी आज समाज में क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग काम किस लिए कर रहे हैं? सोने के लिए, खाने के लिए, भोग करने के लिए, बस इतना ही। उनका कोई उद्देश्य नहीं है उससे परे। तो इसीलिए इससे परे आना मनुष्य जीवन को जो सुविधा, जैसे उदाहरण यहाँ दी गए, हमने उस दिन समझाया था ये उदाहरण आपको कि अगर कोई डीसी ऑफिस में जाता है कितना अच्छा उसका ऑफिस, अंदर एसी लगा है, सब सोफे हैं, लेकिन बाहर जो प्यून खड़ा है उसके सालों से टूटी चेयर वैसी पे रहेगा, रहेगा, उसको कोई सुविधा नहीं है, उसका काम बस वही सलाम मारना, अंदर जाना। क्यों? क्योंकि डीसी के एक साइन से बहुत कुछ हो सकता है, 200 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गया, प्यून सारे पेपर्स पे साइन कर करे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को जिम्मेदारी, सुविधा जो मिली है मनुष्य जीवन की, उसकी हमारी जिम्मेदारी भी है, उसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी समय काफ़ी हो रहा है, मैं सोचा था कि आज पूरा हो जाएगा तीसरा मंत्र, लेकिन इसको और कल विस्तार से करेंगे क्योंकि आप सब जाने की जल्दी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।